ପଢ଼ଉଛି ମୁଁ ହେଲେ हेलो एवरीवन, वेलकम टू बानी स्मार्ट क्लास। माय नेम इज अनिल कुमार छुरा, फैकल्टी ऑफ एप्टीट्यूड। टुडे आई एम गोइंग टू गिव यू ए शॉर्ट वीडियो ऑफ कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन व्हिच इज बेस्ड ऑन एलजेब्रा, मिक्स सॉर्ट्स एंड इंडिसेस। आई थिंक ऑल ऑफ यू आर कंफर्टेबल इन हिंदी, दैट्स व्हाई आई एम स्विचिंग माय लैंग्वेज टू हिंदी। देखो, बहुत सारे क्वेश्चन ऐसे आते हैं जो एलजेब्रा में और सॉर्ट्स एंड इंडिसेस मिक्स आते हैं, ऐसा लगता है क्वेश्चन बहुत कॉन्फ्यूजिंग है और बहुत लेंदी है, लेकिन हम उसको कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन अगर करना चाहें, उसको बहुत इजी से करना चाहें, तो कैसे करेंगे? देखो, क्वेश्चन पहला देखो। पहला क्वेश्चन ये है कि तुम्हारे सामने क्वेश्चन इस प्रकार होगा, ए टू प्लस रूट थ्री इज इक्वल टू बी टू माइनस रूट थ्री इज इक्वल टू वन। और क्वेश्चन बहुत प्रकार से पूछ सकता है। क्या पूछ सकता है? ए का स्क्वायर प्लस बी का स्क्वायर पूछ सकता है, ए का क्यूब प्लस बी का क्यूब पूछ सकता है, और तुम्हारा ए का फोर प्लस बी का फोर पूछ सकता है, और बहुत सारे क्वेश्चन ऐसे पूछ सकता है। तो उस कंडीशन में देखो क्या करना है कि हमें इस कंडीशन में एक दिन ध्यान रखना है। यहाँ ए और बी का वैल्यू निकालना शुरू कर देंगे, बराबर में के मानना शुरू कर देंगे, तो बहुत ही बहुत लेंदी हो जाएगा। लेकिन इस क्वेश्चन पे समझना क्या है कि जब इन दोनों को आपस में मल्टीप्लाई करेंगे, मल्टीप्लाई करने से वन आता है, टू प्लस रूट थ्री टू माइनस रूट थ्री को मल्टीप्लाई करने से वन आता है। इसका मतलब हम डायरेक्ट कर सकते हैं कि ए प्लस वन अपॉन ए इज इक्वल टू पहले का ट्वाइस होल, और सीधा हमें बी से कोई मतलब नहीं है, इस सीधा करेंगे चार का होल स्क्वायर माइनस टू इज इक्वल टू फोर्टीन, इसको करेंगे फोर का होल क्यूब माइनस फोर इंटू थ्री, जिसका होल क्यूब करेंगे उसी को गुणा करके घटा देंगे। फिर उसी कंडीशन में देखो, ए का फोर कहाँ से आया? ए का स्क्वायर से आया, इसी चौदह का होल स्क्वायर माइनस टू इज इक्वल टू 194। ऐसे क्वेश्चन बहुत पूछ सकता है तुम्हारे सामने। देखो, अगर एक एग्जाम्पल और भी लेते हैं हम लोग, देखो बहुत सारे क्वेश्चन पूछ सकता है तुम्हारे सामने से, ए फाइव प्लस टू रूट सिक्स और इज इक्वल टू बी फाइव माइनस टू रूट सिक्स इज इक्वल टू वन। और देखो, इन दोनों को मल्टीप्लाई करने से एक आता है। अगर इन दोनों को मल्टीप्लाई करने से एक आता है, तुम्हारे सामने क्वेश्चन कैसा ही पूछेगा, ए का स्क्वायर प्लस बी का स्क्वायर इज इक्वल टू क्या होगा, ए का क्यूब प्लस बी का क्यूब इज इक्वल टू क्या होगा। तो इस कंडीशन में देखो, ए प्लस वन अपॉन ए इज इक्वल टू क्या होगा, पहले का ट्वाइस दस होगा। इस कंडीशन में हम लोग क्या करेंगे, दस का स्क्वायर माइनस टू इज इक्वल टू 98। सीधे हम क्या करेंगे, दस का क्यूब माइनस दस इंटू थ्री इज इक्वल टू तुम्हारा 970। सेकेंडों में आंसर निकल सकता है। ऐसे बहुत सारे क्वेश्चन बन सकता है। अगर तुम्हें लिखना शुरू करूंगा तो बहुत सारे क्वेश्चन बन सकता है। ए प्लस फोर रूट थ्री इज इक्वल टू बी सेवन माइनस फोर रूट थ्री इज इक्वल टू वन। पेपर में बहुत सारे क्वेश्चन बन सकता है इस प्रकार, जैसे एक्स के साथ बन सकता है, एक्स नाइन प्लस फोर रूट फाइव इज इक्वल टू वाई नाइन माइनस फोर रूट फाइव इज इक्वल टू वन। तो इस कंडीशन में पेपर कुछ भी पूछ सकता है, कुछ भी। एक्स का स्क्वायर प्लस वाई का स्क्वायर पूछ सकता है, कुछ भी पूछ सकता है। एक्स का क्यूब प्लस वाई का क्यूब पूछ सकता है, कुछ भी पूछ सकता है। उस कंडीशन में हम लोग कुछ नहीं करेंगे, यहाँ क्या करेंगे हम लोग, नाइन यहाँ इसके साथ है, नॉन इसको देखिए दोनों का मल्टीप्लाई करेंगे। मल्टीप्लाई करने से नौ का होल स्क्वायर कितना होता है, इक्यासी, और इसका अगर होल स्क्वायर करेंगे चार चार सोलह पंच अस्सी। इन दोनों का डिफरेंस कितना है, एक है। यदि इन दोनों का डिफरेंस एक है तो हमें जो पता चल गया, एक्स प्लस वन अपॉन एक्स इज इक्वल टू नाइन का ट्वाइस एटीन, नाइन का ट्वाइस एटीन। सीधे हम लोग क्या करेंगे, इसको एटीन का होल स्क्वायर माइनस टू, यहाँ करेंगे एटीन का होल क्यूब माइनस एटीन इंटू थ्री, 18 इंटू थ्री डायरेक्ट आंसर आएगा। ऐसे बहुत सारे क्वेश्चन बन सकता है तुम्हारे सामने। देखो, मैं तुम्हें बता देता हूँ कि क्वेश्चन अगर ये भी प्रकार बन सकता है कि a इज इक्वल टू फाइव प्लस टू रूट सिक्स देता है, और यहाँ साफ साफ दे देता है कि ab इज इक्वल टू वन, ab इज इक्वल टू वन। तो उस कंडीशन में क्वेश्चन पूछ सकता है कि a का होल स्क्वायर प्लस b का होल स्क्वायर प्लस ab, a का होल स्क्वायर प्लस b का होल स्क्वायर माइनस ab। तो यहाँ देखो, अगर ए और बी का वैल्यू पुट अप करके लगाना शुरू कर देंगे, क्वेश्चन बहुत लेंदी हो जाएगा। इस कंडीशन में कुछ नहीं करना, ए बी इज इक्वल टू वन है। यदि ए बी इज इक्वल टू वन होगा तो सीधा लिखेंगे ए प्लस वन अपन ए इज इक्वल टू दस, ए प्लस वन अपन ए इज इक्वल टू दस, क्योंकि इन दोनों का स्क्वायर का अंतर कितना है, एक है।
स्क्वायर का अंतर एक है, क्योंकि यहां साफ साफ है कि ए बी इज इक्वल टू अगर वन हुआ तो ए इज इक्वल टू वन अपॉन बी होगा और बी इज इक्वल टू वन अपॉन ए होगा। हमारा जो बी है वन अपॉन ए के बराबर है, तो सीधा क्या करेंगे, इसका गिवन वैल्यू का होल स्क्वायर माइनस टू मतलब 98 प्लस वन और 98 माइनस वन, सीधे 99 और 97 आंसर आएगा सेकेंडों में। ओके, ऐसे बहुत सारे क्वेश्चन बन सकता है तुम्हारे सामने, मैं तुम्हें एग्जाम्पल देता हूं। देखो एक्स वाई इज इक्वल टू वन और एक्स इज इक्वल टू सेवन प्लस फोर रूट थ्री, और पूछ सकता है तुम्हारे क्या पूछ सकता है कि एक्स का स्क्वायर प्लस वाई का स्क्वायर एक्स वाई और एक्स का स्क्वायर प्लस वाई का स्क्वायर माइनस एक्स वाई। इस कंडीशन में देखो एक्स वाई इक्वल टू वन है, हम लिख सकते हैं एक्स प्लस वन अपॉन एक्स, एक्स प्लस वन अपॉन एक्स इज इक्वल टू, देखो सात सत्तर उनचास, चार चार सोलह अड़तालीस, दोनों डिफरेंस एक है, सीधा हम चौदह लिख सकते हैं। यदि चौदह लिख दिया तो सीधा हम क्या करेंगे, चौदह का होल स्क्वायर माइनस टू 194 प्लस वन, तो 195 नीचे 193 सेकेंडों में आंसर आएगा। ठीक है, ऐसे और भी सारे क्वेश्चन बन सकता है, बस हमें देखना है। पेपर में क्वेश्चन बहुत लेंदी होता है, बहुत लेंदी तरीके से सॉल्यूशन देता है, लेकिन हम ऐसे नहीं करेंगे, हम इसको सीखेंगे कैसे। देखो अगर क्वेश्चन तुम्हारे सामने बनता है किस प्रकार, मैं तुम्हें कहूंगा कि ए इज इक्वल टू क्वेश्चन अगर बन सकता है टू प्लस रूट थ्री, अगर ए इज इक्वल टू टू प्लस रूट थ्री है और क्वेश्चन में पूछता है कि ए का सिक्स ए का फोर ए का स्क्वायर प्लस वन और ए का क्यूब। देखो ए का वैल्यू दिया है, अगर पुटअप करना शुरू कर दें क्वेश्चन बहुत लेंदी हो जाएगा। नीचे वाला संख्या अगर काटने के लिए होता है, अगर इसे कॉमन लेके काट देता हूं, उस वाले से ऊपर क्या बचेगा, ऊपर ए का क्यूब होगा, ये तुम्हारा ए का ए होगा, ये प्लस वन अपॉन ए होगा, ये तुम्हारे प्लस वन अपॉन ए का क्यूब होगा। जब कॉमन लेके काट दिया, छह में से तीन चला गया तीन बचा, चार में से तीन चला एक बचा, एक का स्क्वायर कॉमन चला गया नीचे एक आ गया, यहाँ ऊपर था नहीं तो नीचे आ गया, ये तुम्हारा साफ साफ ए का क्यूब है, ए प्लस वन अपॉन ए है। तो इस कंडीशन में हम उसको डायरेक्ट लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं कि यहाँ ए प्लस वन अपॉन ए प्लस वन अपॉन ए इक्वल टू फोर, क्योंकि इन दोनों का डिफरेंस कितना है वन है। यदि इन दोनों का डिफरेंस वन है तो देखो यहाँ ए का क्यूब गिवन वैल्यू का होल क्यूब, अभी सिखाया था गिवन वैल्यू का होल क्यूब माइनस फोर इंटू थ्री, इसका मतलब बावन, कितना आ गया बावन 52 प्लस, और ये प्लस वन अपॉन फोर का वैल्यू कितना है चार इक्वल टू 56 आंसर है, 56 आंसर है। तो इस प्रकार बहुत सारे क्वेश्चन और बन सकता है, क्या बन सकता है तो हमारे सामने कि x इज इक्वल टू फोर ए बी ए प्लस बी देता है, क्वेश्चन में बोलता है कि क्या बोलता है कि x प्लस टू ए और x माइनस टू ए और x प्लस टू बी x माइनस टू बी। देखो यहाँ x का वैल्यू दे रखा और उसमें x की कंडीशन में पूछा है, और भी वैल्यू तुम्हारे सामने दे सकता है, क्या दे सकता है, x इज इक्वल टू रूट सिक्स, हम लिख सकते हैं रूट थ्री प्लस रूट टू रूट थ्री, और क्वेश्चन पूछ सकता है कि फाइंड करो क्या फाइंड करना है तुम लोगों को कि x प्लस रूट थ्री एक्स माइनस रूट थ्री एक्स प्लस रूट टू एक्स माइनस रूट टू एक्स माइनस रूट टू। और भी क्वेश्चन इस प्रकार बन सकता है x इज इक्वल टू फोर रूट फिफ्टीन, और क्वेश्चन तुम्हारे सामने दे सकता है रूट फाइव प्लस रूट थ्री, और क्वेश्चन बोल सकता है फाइंड करो, क्या फाइंड करना है कि x प्लस रूट ट्वेंटी और x माइनस रूट ट्वेंटी और x प्लस रूट बारह और x माइनस रूट बारह। इन सभी क्वेश्चन में एक बार नजर मार लो, इन सभी का आंसर दो होगा। पहचानने की तरीका यही है, जब हम टू को अलग कर दिया क्या बचा टू ए बी। यहां देखो टू ए को मल्टीप्लाई कर बी के साथ टू ए बी बना, टू बी को मल्टीप्लाई कर सको ए के साथ टू ए बी बना, यहां देखो टू को अलग कर दिया रूट सिक्स बना, रूट थ्री को मल्टीप्लाई कर दो रूट टू के साथ रूट सिक्स बन गया,
रूट टू को मल्टीप्लाई करो रूट थ्री सा रूट सिक्स बन गया, टू को अलग करने रूट सिक्स। यहां देखो दो को अलग कर दिया, कितना बचा? दो बचा। इसी दो को अंदर ले जाऊंगा तो ये क्या बनेगा? दो को रूट सिक्सटी बनेगा, रूट सिक्सटी, रूट सिक्सटी बनेगा। रूट ट्वेंटी को मल्टीप्लाई कर दूंगा रूट सिक्स, रूट सिक्सटी बनेगा। रूट फाइव को मल्टीप्लाई करूंगा रूट ट्वेल्व के साथ, सिक्सटी बनेगा। इस कंडीशन में हम सभी का आंसर दो लगा सकते हैं, सभी का आंसर क्या लगा सकते हैं? दो लगा सकते हैं, इन सभी का आंसर दो लगा सकते हैं। क्वेश्चन ऐसे बहुत सारे होते हैं जो क्वेश्चन हमें लगता है कि बहुत लेंदी है, लेकिन ऐसा कोई लेंदी नहीं होता, क्वेश्चन का कॉन्सेप्चुअल होता है। देखो मैथ एक लॉजिक है, उस लॉजिक को समझना पड़ेगा। पेपर में इतना समय नहीं होता कि हम उसको सॉल्व करेंगे, क्वेश्चन देख के आंसर निकाल देंगे। तो यही हमारा कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन होता है, और भी बहुत सारे क्वेश्चन बनता है। देखो मैं तुम्हें एक दो एग्जाम्पल और देता हूँ, एक दो एग्जाम्पल और देता हूँ। कैसे? मान लो इफ क्वेश्चन देता है कि एक्स प्लस वन अपॉन एक्स इज इक्वल टू वन, और क्वेश्चन पूछता है एक्स का सौ पावर, एक्स का एक सौ तीन, एक्स का एक हजार पावर, एक्स का एक हजार तीन, फिर पूछेगा एक्स का पाँच सौ, एक्स का फोर नाइन्टी सेवन, एक्स का दो सौ, ए का एक्स का वन नाइन्टी सेवन। तो इन सारे क्वेश्चन पूछेगा। देखो एक छोटे से वैल्यू दिया है x प्लस वन अपॉन x इक्वल टू वन दे रखा, x का 100 पावर, x का 103, x का 1000, एक का 1003, x का 500, x का 497, x का 200, x का 197। अगर इस क्वेश्चन में ध्यान रखना कि यदि x प्लस वन अपॉन x इक्वल टू वन देता है, अगर x प्लस वन अपॉन x इक्वल टू वन देता है तो तीन का डिफरेंस, 100 और तीन में कितने का डिफरेंस है? तीन का, ये जीरो बन गया। हजार और एक हजार तीन में कितने का डिफरेंस है? तीन का, जीरो बन गया। 500 और 497 में कितने का डिफरेंस है? जीरो बन गया। 200 और 197 में कितने में? तीन का डिफरेंस, जीरो बन गया। पूरे का आंसर जीरो है, पूरे का आंसर जीरो है। तो ऐसे हम बहुत सारे क्वेश्चन को आओ हम आपको में सिखाते हैं, ये सारे इसका बेसिक बताएंगे। यहाँ तो बेसिक बताना मुश्किल है, तुम लोग कॉन्सेप्ट में बता रहे हैं। कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन बहुत ऐसे क्वेश्चन आते हैं पेपर में जो देख कर हम आंसर लगा सकते हैं। तो आप आइए हम आपको इस प्रकार तैयारी करेंगे कि पेपर में तुम्हारा सिलेक्शन होना बहुत नजदीकी से हम आपको पढ़ाएंगे और सिलेक्शन बहुत आसानी से ले सकते हो, ध्यान रहे। तो इस प्रकार बहुत सारे क्वेश्चन बनता है, मैं एग्जांपल और दे देता हूँ, लास्ट एग्जांपल देता हूँ, नहीं तो वीडियो लंबा हो जाएगा। देखो एक वीडियो और बना देता हूँ कि जैसे इफ एक्स प्लस वन अपॉन एक्स इज इक्वल टू रूट थ्री देता है, क्या देता है? रूट थ्री। रूट थ्री देख के क्वेश्चन पूछता है एक्स का फोर 400 और x का 394, x का 5000 और x का 5006 और x का 40, x का 34, ये प्लस वन दे दिया। तो इस कंडीशन में देखो क्वेश्चन कैसे बनता है। यदि x प्लस वन अपने इक्वल टू रूट थ्री देता है, यदि x प्लस वन अपन रूट थ्री देता है तो इस कंडीशन में देखो इन छः का अंतर जीरो होगा। छः का अंतर क्या होगा? जीरो होगा। इन दोनों में डिफरेंस छः का है, ये जीरो हो गया। इन दोनों में 5000 और 5006, छः का अंतर जीरो हो गया। इन दोनों में 40 और 34, छः का अंतर जीरो हो गया। तो ये कितना बच गया? वन बच गया। ठीक है, तो ये सारे क्वेश्चन बहुत आसान तरीके से हम सॉल्व कर सकते हैं, पेपर में आते हैं लेकिन हमें पता नहीं चलते, हम उसको छोड़ के आते हैं। तो ध्यान रहे जो ऐसे क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए हमें एक गुरु की आवश्यकता है। देखो समय और समझदारी दोनों अलग अलग चीज होती है। जब समय होता है तो हमारे पास समझदारी नहीं होता, जब समझदारी आता है तो हमारे पास समय ही नहीं होता। तो इन समय और समझदारी के बीच में एक गुरु क्या करता है कि एक टीचर एक स्टूडेंट के ऊपर समझदारी पैदा कर देता है, ताकि उसी समझदारी के चलते वो आगे जाके समाज में कुछ बन सके। तो यही होता है टीचरों का काम, और वही काम हम यहाँ कर रहे हैं। हम यहाँ टीम है, बहुत बड़ी टीम है, जिसमें 70 से 80 टीचरों का टीम है, और तुम्हें सफल बनाने के लिए दिन और रात मेहनत करते हैं। यू आर वर्किंग हियर, यू आर वर्किंग हार्ड हियर राउंड द क्लॉक। यही हम लोग तुम्हारे साथ जुड़े हैं और जुड़े रहेंगे, और हमारा काम ही तुम लोगों को सफल बनाना। तो ठीक है, आज की वीडियो हम यहाँ रखते हैं। थैंक यू।